हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लावा द स्टडी में। आज आपको हम उत्तर प्रदेश जन सेवा चयन आयोग लखनऊ के संबंध में एक आवश्यक जानकारी जो बोर्ड ने एक नोटिस जारी करके प्रदान किया उसके बारे में फुल डिटेल आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश जन सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 19/06/2016 द्वारा सीधी भर्ती सामान्य चयन के अंतर्गत नलकूप मिस्त्री के 672 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन में नलकूप मिस्त्री पद के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त पदों के चयन के संबंध में आयोग ने दिनांक 19/08/2019 को बैठक हुई। जिसमें नलकूप मिस्त्री पद के लिए शैक्षिक अर्हता ट्रेडों का निर्धारण नहीं हो पाने के कारण उक्त विज्ञापन के संबंधित अध्याचन को शैक्षिक अर्हता ट्रेडों का निर्धारण करने, अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी एवं चयन के आधार पर पुनः विचार करते हुए संशोधित अध्याचन को पुनः आयोग को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभाग को अध्याचन मूल रूप में वापस किए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार पत्र दिनांक 6/07/2019 द्वारा संदर्भित अध्याचन मूल रूप में संबंधित विभाग को वापस कर दिया गया है। संशोधित अध्याचन प्राप्त होने के उपरांत इस संबंध में आयोग द्वारा आवश्यक कार्यवाही संपादित की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश जन सेवा चयन आयोग के अंतर्गत ये जो नोटिस जारी की गई है इसका मूल उद्देश्य है कि जो नलकूप मिस्त्री के 672 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था उसमें ट्रेडों का निर्धारण न होने की वजह से और अर्हता और अनुभव प्रमाण पत्र न होने की अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से कौन प्राधिकारी इसको जारी करेगा और चयन का आधार सही से न होने के कारण इस वैकेंसी को पुनः जो है उस विभाग को भेज दिया गया है। अब जब दोबारा उस विभाग द्वारा इस उसके संबंध में कोई नोटिस जारी की जाएगी तब जाकर के आयोग इस पर कोई संज्ञान लेगा। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल इलाहाबाद स्टडी को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक जरूर करिए। थैंक यू। ये जो है विज्ञापन 672 पदों पर विज्ञापन जो है 2016 में जारी किया गया था, यानी इसको आयोग ने निरस्त कर दिया है और दोबारा जब नलकूप मिस्त्री वाला विभाग जो है इसको कुछ नई नोटिस जारी किया तब जाकर आयोग इस पर संज्ञान लेगा। धन्यवाद।